तो पटना में इंडिगो के मैनेजर की हत्या से मची खलबली। जी आपको बता दें, एयरपोर्ट से घर लौटते वक्त मैनेजर को मारी गोली और तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर जोरदार हमला। तो उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। तो आपको बता दें, रूपेश सिंह हत्याकांड पर सियासत भी गर्म होती नजर आ रही है। तो बिहार की राजधानी पटना में बदमाशों ने इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रूपेश सिंह की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी। रूपेश सिंह की हत्या के बाद नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अब अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि यह घटना इस बात का प्रमाण है कि बिहार में अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी मांग की है कि पुलिस जल्द से जल्द अपराधियों की तलाश करे और उन्हें सजा दिलाए। तो आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में एक हाई प्रोफाइल मर्डर से सनसनी मच गई। कल पटना एयरपोर्ट पर कार्यरत इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रूपेश कुमार को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक पर सवार अपराधियों ने रूपेश कुमार पर ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की और हथियार लहराते हुए फरार हो गए। बारदा शास्त्री नगर थाना अंतर्गत पुनाईचाक इलाके में स्थित कुसुमबिला अपार्टमेंट की। बताया जा रहा है कि रूपेश कुमार एयरपोर्ट से वापस घर लौट रहे उसी दौरान उन्हें गोली मारी गई। इस गोलीकांड के बाद सनसनी फैल गई और सियासत भी गर्म हो गई।